मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है, अगर कलवा मुमरा की हम बात करें तो पूरा लॉकडाउन हो चुका है। इसी तरह से देखिए आप किस तरह से जो है यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है और मुमरा शहर में लॉकडाउन का असर पूरी तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि आपको दिखा दें जो पुलिस यहाँ पर लगी है, जो वैसे तो लोग सड़कों पर निकल नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग निकल रहे हैं उन्हें बाकायदा पूछा जा रहा है, उनसे इंक्वायरी की जा रही है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। अगर वो अति आवश्यक सेवा के लिए जा रहे हैं उसके बाद ही उन्हें यहाँ से जाने का मौका दिया जा रहा है। इसी तरह से पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर लगा हुआ है और सड़कें जिस तरह से आपने पहले भी देखा था लॉकडाउन होने की वजह से, लेकिन फिर भी मुमरा शहर के लोग जो है वो सड़कों पर निकलते थे, लेकिन अब लॉकडाउन का असर मुमरा शहर में देखा जा सकता है। देखिए किस तरह से ये सड़कें हैं और पूरी तरह से ये सड़कें सन्नाटा है, सड़कों पर बहुत कम ही लोग हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं। इसी तरह से जो यहाँ का दूसरे तरफ का जो रास्ता है उसको आपको दिखा दें कि इसी तरह से जो है ऑटो रिक्शा लगाकर और आगे शिमला पार्क दारुल फला मस्जिद हो गया, यहाँ इसके रोड पे जो दूसरी तरफ का रोड है जो मुमरा स्टेशन की तरफ जाने वाला रोड है, ऐसे ही ऑटो रिक्शा या और भी गाड़ियाँ लगाकर जो है ऐसे ही बंद कर दिया गया है। इस तरफ से लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो दूसरी तरफ का रास्ता है इसी तरफ से जो है जाने और आने के लिए अनुमति दी गई है, लेकिन वही लोग जो अति आवश्यक सेवा में है उन्हीं को जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा और भी अगर कोई भी व्यक्ति सड़कों पर चल रहा है तो उसे पूछा जाता है, अगर वो क्यों निकला है घर से ये बताने में सफल नहीं होता है तो उसके ऊपर जो है पुलिस एक्शन लेती है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और अब तक जो लोग वाहन लेकर निकल रहे थे, जिस तरह से कलेक्टर का आदेश आया था उसके बाद से जो लोग वाहन लेकर निकल रहे थे, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो या फिर दो पहिया वाहन हो, उनके वाहनों को भी जब्त किया गया है। हम आपको दिखा देंगे कि मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर किस तरह से जो है ऑटो रिक्शा जो जब्त किए गए हैं वो मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े हैं ऑटो रिक्शा, और इसी तरह से जो है दोपहिया वाहन भी हैं जो पुलिस ने जब्त की है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। एक बात और आपको बता दें कि कल जो है शबे बारात है, ऐसे में शबे बारात के दिन जो है लोग कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ दुआ मांगते हैं, तो लोगों का कहीं ना कहीं कहना था कि शाम के वक्त यानी रात में शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक क्या छूट मिलेगी लोगों को कब्रिस्तान जाने का, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उनका साफ कहना है कि कोरोना वायरस की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए किसी भी तरह से किसी को भी छूट नहीं मिलेगी, और जिसको भी इबादत करनी है वो अपने घर में करे, किसी को भी कब्रिस्तान जाने की अनुमति नहीं है। यानी कि शबे बारात के दिन भी लोग घर में रहें और घर में ही अब इबादत करें, उन्हें कब्रिस्तान जाने की अनुमति नहीं है, बल्कि लॉकडाउन जो है उसे जो है सख्त बढ़ा दिया गया है और लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। ऐसे में ये मुमरा शहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है पूरी सड़कों पर जो है सन्नाटा फैला हुआ है, लोग ज़्यादातर अपने घरों में हैं, और इसके बारे में क्या जानकारी दी है ACP घोसालकर ने, हम आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ पे मुमरा में अभी तक हमने 150 से 160 टू व्हीलर्स और रिक्शा जमा कर चुके हैं हम, और उनके ऊपर हमने करीबन 60 केसेस रजिस्टर कर चुके हैं। लॉकडाउन होने की वजह से उधर जाने की इजाज़त मस्जिद दरगाह या कब्रिस्तान में नहीं है। हमने सबको अपील की है कि भाई जो आपको जो भी कुछ करने का प्रार्थना या इबादत करने की है वो सब अपने घर पे बैठ के करें, हम लॉकडाउन होने की वजह से हम अलाउ नहीं करें। मैं हमारे मुस्लिम भाईजन को बंधुओं को आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि शबे बारात के दिन बाहर नहीं निकलें, जो संचार बंदी है उसका पालन करें, गवर्नमेंट जो पुलिस वाले बोल रहे हैं उनके आदेश का पालन करो, और घर पे बैठ के आप आपके बड़ी रात ये मनाओ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।